बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिसा फ़राइज़, तो कौन किसकी बहस चल रही है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बनातुल इब्न के अहवाल पढ़ रहे हैं, और बनातुल इब्न से पहले जिन लोगों के अहवाल पढ़ लिए थे उसके साथ साथ हम पूरे की मिलाकर के मश्क भी कर रहे हैं। ठीक है ना। एक बात, चलिए, अच्छा कुछ मश्क करा रहा था मैं ना ठीक है, तो तुम लोग अभी कुछ और मश्क लिख लो, उसके बाद आगे की चीजें पढ़ाता हूं। कुछ मश्क और लिख लो। आप अकेले हैं? आप अकेले हैं तो मश्क कराऊंगा ना। चलो ठीक है, लिखो ज़ौज इब्न बिंत। पहले एक काम करो, पहले बनातुल इब्न के अहवाल सुना दो जल्दी मुझे। बनातुल इब्न के अहवाल, हाँ बताओ। देखो जब तक मश्क चलती रहेगी ना, तब तक जिसके साथ मश्क चल रही है उसके अहवाल रोज आना पढ़ने हैं सुनाने हैं। अन्निस्व लिल वाहिदा लिल इस्नतैनी फसाइदतन अस्सुलुसा लहुन्न सुदुस माल वाहिदा अस्सुलबिय तकमिलतन लिस्सुलुसैन वला यरिसना मासुलबियतैन الخامس ولا يرث ما سلبيتين الا ان يكون بهدايهن واصل منهن غلام فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين السادس يسقطن بالابن। ठीक है ना। चलो, زوج ابن بنت, زوج ابن بنت, زوج किसी आदमी का इंतकाल होता है, किसी औरत का इंतकाल होता है, जब जौज है तो कोई औरत ही होगी, और वो अपने वारसा में छोड़ के जाती है अपने शौहर को और अपने बेटे को और अपनी बेटी को, तो किसको कितना कितना मिलेगा? जौज की दो हालतें हैं। हाँ, अच्छा, फरा में कोई फर्क नहीं पड़ता इसके मुजक्कर मुन्नस होने की के एतबार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बाकी लोगों में आपने महसूस किया होगा कि बाकी लोगों में मुजक्कर मुन्नस के एतबार से कुछ फर्क पड़ जाता है। जैसे बाप है तो अगर मुजक्कर लोग जिंदा है, यानी बेटा पोता जिंदा है, तो कुछ और हिस्सा होगा, और बेटी पोती जिंदा है तो कुछ और हिस्सा बन जाता है। लेकिन यहाँ शौहर के लिए या बीवी के लिए आपने दोनों हालतों में देखा है, अगर बीवी का इंतकाल हो और तो उसकी औलाद जिंदा हो, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, तो उतना ही मुजक्कर भी उसके हिस्से को मुतासिर करेगा जितना मुअन्नस मुतासिर करेगी, है ना। तो कहीं कहीं तस्कीर तानीस का हिस्सा में जो है फर्क पड़ जाता है, और कहीं कहीं नहीं पड़ता है उनके हाजिब होने की हैसियत से। चलो, तो जौज को उतना हिस्सा मिल गया, आपने 1/4 दिया है, और इब्न और बिंत को कितना कितना मिलेगा? हाँ, इब्न का नहीं पढ़े हो, लेकिन एक बात जान लो, बिंत के साथ इब्न अगर आ जाए तो उसका पढ़े हो। हाँ, बिंत के साथ आ जाए इब्न तो उसकी एक कंडीशन खास लिखाई गई है, लिद्दकरे मिस्लु हद्दिल उनसैन। ये लफ्ज जो आप लिखेंगे ना, तो लिद्दकरे मिस्लु हद्दिल उनसैन, ये इब्न और बिंत दोनों मिला करके ऐसा लिखो कि दोनों के नीचे आ जाए, यानी आप लिद्दकरे से लिद्दकर का लफ्ज आप इब्न से स्टार करो और मिस्लु हद्दिल उनसैन ये बिंत तक पहुंच जाए। ऐसे इब्न के तो हालात उनके अलग से नहीं पढ़े हैं, लेकिन बिंत के साथ अगर इब्न आ जाए तो उसकी एक हालत दिखा दी गई है, बता दी गई है।
लिदकर मिसलु हजल हुसैन बनेगा। तो अब बताओ अगर माल जो है, माल अगर 4 लाख रुपए है माल, तो किसको कितना मिलेगा? माल अगर 4 लाख रुपए है, 1 लाख शहर को मिल जाएगा और 3 लाख इन दो 3 लाख इन दोनों के लिए हो जाएगा, इब्न और बिंत के लिए हो जाएगा, है ना। हाँ, तो उनमें लिदकर मिसल हजल हुसैन 2:1 के रेशियो से होगा, 2:1 के तनासुब से होगा, तो उसमें 2:1 हो जाएगा और 1 लाख 1 का हो जाएगा, यानी बेटी का हो जाएगा। इस तरह हिस्सा पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला मसला देखो, ज़ौजा इब्न बिंतान अलजद, हाँ हाँ हाँ, तो क्या रहेगा? तब भी रहेगा, एक बेटी और दो बेटी का मसला नहीं है वहां, बस बेटी बेटे के साथ आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में, हर जगह पे ऐसे कंडीशन में वहां लिदकर मिसलु हजल हुसैन लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए दो बेटे होते और एक बेटी होती, दो बेटे एक बेटी होती, तो आप ऐसे नहीं कह सकते थे कि चूंकि हमको लिखा है कि एक बेटी एक बेटे के साथ तब ऐसा होगा। वहां तादाद मुराद नहीं है, बल्कि जिन्स सिर्फ मुराद है कि बेटे अगर बेटी के साथ बेटी अगर बेटे के साथ है, या बेटियां बेटी अगर बेटे के साथ है या बेटों के साथ है। इसको सुन लो गौर से, बेटी अगर बेटे के साथ है या बेटों के साथ है, ठीक है, या बेटी या बेटियां अगर बेटे के साथ है या बेटों के साथ है, तो ऐसे हर सूरत में, ऐसे हर कंडीशन और हालत में लिदकर मिसलु हजल हुसैन हो। क्या बताया मैंने? वहां जो लफ्ज आपने बेटी के लिखे होंगे, उससे तो ये बात मुमकिन है जहन में ये शुबहा जाए कि लिखा है कि अगर बेटी बेटे के साथ है, यानी एक बेटी अगर एक बेटे के साथ है, तब लिदकर मिसलु हजल हुसैन होगा। हो सकता है जहन में ये बात किसी के चली जाए, लेकिन ऐसी बात वहां मुराद नहीं है। जहां ये लिखा है वहां ये मुराद है, बल्कि अगर चाहो तो अपनी याददाश्त के लिए इसको लिख सकते हो, बेटी बेटे या बेटों के साथ, या बेटियां बेटे या बेटों के साथ। मेरा ख्याल है पलट करके लिख लो ताकि शुभा ना हो, क्योंकि यहां बिंतान आ गया ना, इब्न और बिंतान, तो मुमकिन है बाज लड़कों में शुभा हो जाए कि वो कंडीशन तो नहीं बैठ रही है। तो वहां उसको कापी खोल करके ऐसे लिखो जैसे मैं बोल रहा हूं, तीसरी हालत के तर्जमे के तौर पर, बेटी की जो तीसरी हालत है उसके तर्जमे या तशरीह के तौर पर लिख लो, बेटी बेटे या बेटों के साथ, बेटों के साथ। फिर लिखो या बेटियां बेटे या बेटों के साथ। बेटे या बेटों के साथ, अब एक और जमा का जो है फर्क हो जा रहा है ना,
या बेटियां बेटे या बेटों के साथ लिज्जा करे मिसल हाजिर हुसैन। लिज्जा करे मिसल हाजिर हुसैन। अच्छा, तो अब यहां क्या आपने बना दिया, जौजा इब्न बिन्तान, उसके बाद अलजद है, उसके बाद अलजद है। तो हद्दुल उनसैन, अभी इनका हिस्सा बांटना मैं बता रहा हूं। हिस्सा दिया आपने 1/8 हिस्सा दिया है, और किसी को आखिर वाले को अलजद को 1/6 आपने हिस्सा दिया होगा इब्न को देख करके, यही ना। भाई बेटे पोते के साथ दादा क्या होता, बेटे और बेटियां, बेटे और बेटे, अगर सुनो, अगर वारिस दो तरह के मौजूद हों तो जो उसमें से ज्यादा कवि होगा किसी के लिए वही माना जाएगा। जैसे दादा के लिए एक रोकने वाला बिंत भी है और एक इब्न भी है, तो दोनों में से कवि कौन है, इब्न है, तो उसी को माना जाएगा। गोया बेटा बेटा पोता मौजूद है, ये हालत बैठेगी। आप देख रहे हैं बेटी भी है और बेटा भी है, तो बेटी के अलग अहवाल लिखाए होंगे, बेटी के लिखा है कि अगर बेटी पोती हो तो उसकी अलग कंडीशन है दादा के लिए, और बेटा पोता है तो अलग कंडीशन है दादा के लिए, लिखाया गया है ना। लेकिन ये नहीं बताया गया कि अगर दोनों एक साथ हो तो कौन लागू किया जाएगा, ये नहीं बताया गया। तो इसको जान लो, अगर दोनों एक साथ हो तो वहां बेटा वाली कंडीशन लागू की जाएगी, क्योंकि भाई जो मजबूत होगा वही ना लागू किया जाएगा। चलो, अब यहां 1/8 है और 1/6 है। मान लीजिए किसी के पास 24 रुपए हैं, मान लीजिए किसी के पास 24 रुपए हैं, या 24 बीघे खेत है, या 24 कुछ भी हो, तो किसको कितना मिलेगा, ₹24। हाँ, 3 रुपये मिलेगा इसको, छ चौक 24, 4 मिलेगा ना। हाँ, 4 इसको मिल जाएगा, और उसके बाद जितना बचेगा इनको आ जाएगा, तो कितना बचा, 4 इधर खर्च हो गया, और 4 × 3 = 7, 24 में से 7 निकाल दो तो कितना बचेगा। हाँ, 17 × 3 = 24, तो 17 इनको मिलेगा। अब 17 इनके दरमियान कैसे तकसीम होगा, दो बेटियां हैं और एक बेटा, तो इसे कैसे बांटोगे। जब भी बांटना होगा, और ऐसा बांटो कि 2:1 के रेशियो से मिले, जब भी बांटना होगा तो आप ऐसा करेंगे कि बेटों को 2 बेटियों के बराबर मानेंगे, क्योंकि ऐसा ही है। तो आप मानेंगे कि ये दोनों 4 हैं, ये मानोगे 4 हैं, क्योंकि इब्न ये 2 के बराबर हो जाएगा और बिन्तान 2 है ही है, तो 4 हो गया। अब 17 रुपए को 4 से आप तकसीम करेंगे, जितना भी आए पॉइंट में आएगा, टूट टाट के आएगा, नहीं आएगा टूट के आएगा, टूट के आएगा। अब जितना भी भाई 4 × 16 117, फिर 4 × 4 तकरीबन हम मान लेते हैं 4 रुपए 10 पैसे, नहीं 4 रुपए कुछ पैसे आएंगे, है ना, 4 × 2 = 8 तकरीबन 25 पैसे आएंगे, 4 रुपए 25 पैसे आएंगे, है ना। तो अब इसमें बेटे को जो डबल माना गया है, जाहिर है उसको हिस्सा देने के लिए 2 से जरूर दिया जाएगा, उसमें जो हासिल किस्मत आई है, तो 8 रुपए 50 पैसे इसका हो जाएगा बेटे का,
और इधर भी उतना ही होगा क्योंकि इधर भी दो हिस्से हैं, तो उधर वो अपना बराबर बराबर तकसीम कर लेंगे, आधा आधा दो ही हैं। तो अब देखो उधर उधर चार चार मिलेगा उनको, चार रुपए कुछ पॉइंट मिलेंगे ना, वही पॉइंट लगा लेगा। और हाँ हाँ और इधर ये बेटे को आठ मिले, आप देखेंगे तो वो दो एक का रेशियो हो गया भाई, बेटियों का हिस्सा भी आठ गया है और इसका हिस्सा भी आठ गया है, आठ पॉइंट जितना है, साढ़े आठ इसका साढ़े आठ उसका। लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा है तब गया है। ऐसा नहीं कह जाएगा कि बेटियां चाहे जितना हो उनका डबल हमेशा इसको दिया जाएगा, रास के लिहाज से जब भाई दो बेटी एक बेटे के बराबर हो गई, तो इधर जब दो है तो इधर दो है तो दोनों को इसका मतलब बराबर मिला जाए, और जो है बराबर मिला भी इस हिसाब से। बात समझ में आ रही है ना एकदम? चलो अगला मसला देखो। अब हम उधर का धोरवा चुके हुए हैं, अब इधर मेन बात क्या है देखो। बिंतुल इब्न और जद, हाँ बिंतुल अलमैत, अलमैत के बाद लिखो बिंतुल इब्न फिर जद। ठीक है, और जद को कितना मिलेगा? हाँ एक बटे छह प्लस असबा मिलेगा, है कि नहीं? तो अब कोई मसला ही नहीं है। अगर किसी के पास 6 लाख रुपए हो तो किसे कितना कितना मिलेगा? मान लीजिए किसी के पास 6 बीघे जमीन है, 6 बीघे जमीन, तो बेटी को कितना मिलेगा? 3 बीघे मिलेंगे। और जद को बतौर फर्ज कितना मिलेगा? 1 बीघा मिलेगा। बैंक बड़े 6 है तो ज्यादा बैंक बड़े से 6 का बड़े 1 बीघा होगा। और उसके बाद कितना बाकी बचेगा? तो 3 × 1 = 4 बच गया, 2 बीघे बाकी बच गया, और बतौर ऐसा 2 बीघा पा जाएगा। यानी यहाँ इस मसले में हम देखते हैं कि बेटी और दादा दोनों बराबर बराबर आ गए इससे के अतबार से। हाँ एक और देखो एक मसला, ये ठीक है ना, लगवा रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि इसी से यही मेन जान है, यही यही चीज है। अगला मसला देखो, एक मसला और लगवाता हूं, एक मसला से बोल रहा हूं बस। चलो अच्छा, कल मैं इंशाल्लाह कुछ बातें बताऊंगा कि अगर बेटियां कई दर्ज की है पोतियां, मान लीजिए कोई बेटी है, कोई पोती है, कोई पड़ पोती है, कोई लकड़ा पोती है, तो कौन हिस्सा पाएगी कौन नहीं पाएगी, उसको मैं एक चार्ट बनवा दूंगा उसी हिसाब से, ठीक है, ताकि उसको समझने में आसानी हो। वैसे मैंने बता दिया है कि अगर एक दो बटे तीन हिस्सा अगर पूरा हो जा रहा है तो बाकी नीचे की जितने भी बचती है उनको हिस्सा नहीं मिलेगा, है ना? ये मैंने समझा दिया, लेकिन उसको बता दूंगा फिर से। एक मसला बोला, मसला बोल दिया नहीं बोला, लिखो लिखो जौजा अब बिंतुल इब्न, जौजा अब बस बस इतना यही मसला लगा लो, हाँ हाँ एक बार बोलेंगे ठीक।
चलो ठीक है, पहले अमेरिकन तो बाप को मिलेगा 1/6, ठीक है, और उसके बाद बेंतुल इब्न पोती, हाँ ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, इधर जौजा को मिला है 1/8, है ना। तो आप मान लीजिए किसी के पास 8 बीघे जमीन है, 8 लाख रुपए, तो उसको कितना हिस्सा मिलेगा, उसी के तनासुब से आप बांट सकते हैं। बांटेंगे अगर जो बच जाएगा, जो बतौर असबा होगा, उसको बाकी बचा हुआ माल दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इतना है, और बाकी मैं पोती की कुछ और लोगों के साथ जो है पोती की मश्क करा दूंगा, 4-5 लोगों के साथ हो, जैसे पोती की मश्क बेटी के साथ है ना, या पड़ पोती की मश्क पोती के साथ बेटी के साथ, तो इसकी बची हुई है इसी की मश्क करा दूंगा फिर इंशाल्लाह, और आगे बढ़ो। कल एक रोज मश्क और बाकी रह गई, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।